टू माई यूट्यूब चैनल ए टी जी ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इट्स 5:30 राइट नाउ और मैं जा रहा हूँ पनवेल, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अमरावती। सो पनवेल से मेरी 7 बजे की ट्रेन है, मड़गांव नागपुर स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन का टिकट बुक करने के पीछे जो रीज़न है मैं आपको ऑन द वे बताऊँगा, बट अभी सारा पैकिंग वगैरह हो गया है, जस्ट ऑटो बुक करके निकलना है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई हुई लोकल 6:26 की पनवेल जाने वाली धीमी लोकल है। मैंने ये ट्रेन का टिकट इसके लिए बुक किया था क्योंकि कसर और इगतपुरी के घाट में जो बीच में व्यू मिलेगा बारिश के मौसम में, सारा फॉग, बारिश, वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे, तो यही रीज़न के लिए मैंने ये ट्रेन बुक की थी। लास्ट टाइम जब मैं अमरावती से रिटर्न आ रहा था तभी मैंने गीतांजलि का टिकट बुक किया था बडनेरा से, लेकिन ट्रेन उस टाइम पे 3 घंटे लेट हुई थी और शाम को 8 बजे कसारा घाट में पहुंची थी। सो इसलिए फिर आज ये ट्रेन अगर दिन में कितने भी लेट होती है तो भी दिन में मैं इगतपुरी या कसारा में रहूँगा, विच इज़ अ गुड थिंग। होपफुली वो भी मिल जाए, बस यही उम्मीद रख रहा हूँ मैं। पहली बार मैं पनवेल से आउट स्टेशन जा रहा हूँ कहीं तो, और ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है ब्लॉग करते समय, क्योंकि पब्लिक में मैं अभी धीरे धीरे ब्लॉग करना सीख रहा हूँ। तो कैमरा उठाने की सबसे पहले हिम्मत नहीं होती है, बट जब बात करने लगते हैं तो फिर थोड़ा कॉन्शियस रह के बाद में फिर यूज़ टू होने लगता है धीरे धीरे, एंड सारा प्रैक्टिस का खेल है। इसके लिए फिर अभी ये करना पड़ेगा कंटिन्यू ब्लॉग अगर करने हैं आगे चल के। तो ट्रेन अभी तक 9 किलोमीटर दूर है पनवेल से। 01140 मड़गांव नागपुर स्पेशल ट्रेन जो है वो वीक में सिर्फ 2 दिन ही चलती है, संडे एंड थर्सडे, और नागपुर से जो मड़गांव के लिए निकलती है 01139 वो भी 2 ही दिन रहती है, वेनसडे एंड सैटरडे। अभी ये जो ट्रेन थी वो मड़गांव जा रही है और इसका जो पीछे का व्यू है विस्टाड होम वो बहुत सही लगता है, और घाट सेक्शन में या जिधर बारिश हो हरियाली हो उधर तो एक नंबर व्यू रहता रहेगा, वो भी एक बार एक्सपीरियंस करना है। बट अभी इस ट्रेन की वजह से हमारी ट्रेन अभी 15 मिनट लेट हो गई। स्पेशल ट्रेन होने का यही एक डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे भी सिग्नल मिल जाएगा तो ट्रेन साइडिंग में खड़ी हो जाती है। सो वैसे ही अभी खड़ावली में हम लोग रुके हैं 10 मिनट से, 2 एक्सप्रेस जाएगी और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन निकलेगी। इंजन मेरे ख्याल से इसको एक्स्ट्रा लगता है ड्यू टू घाट सेक्शन। कसारा आने के बाद मेरे दिमाग में जो व्यू है अगर वैसे के वैसे मिल गया सो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर चलने दो, अभी क्या सेकेंड टाइम पोपट होगा। यहाँ पे अभी एक इंजन लगेगा, एक्चुअली टाइम से बहुत लेट चल रही है अभी एक्सप्रेस, क्योंकि बाकी जो ट्रेन्स है डेली रनिंग वाले वो पहले निकल रहे हैं। और कसारा आने के बाद एक चीज़ मुझे क्लिक हुई कि कसारा में मैं विही गाँव आया था और घर जाते वक्त मेरी बाइक बंद पड़ गई थी, और उस टाइम पे आई वॉज़ हेल्पलेस अंधेरे में, वो भी
तो ऑलमोस्ट ये रूट पे जितने भी गांव है या फिर शहर है तो हर एक की एक मेमोरी है। अभी फ़िलहाल में तो बारिश नहीं है, फिर भी इतनी हरियाली या फिर इतना व्यू है, लेकिन जब बारिश होती तो पूरा फॉग से कवर रहता। एंड वहाँ पे जाके फिर और भी एक जगह पे मैं जाने वाला हूँ, हिल स्टेशन है, तो वो भी प्लान है मेरा, अगर सक्सेसफुल हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिटर्न आने का काम करके। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं बडनेरा। अभी यहाँ से जाना है अमरावती आदित्य के घर पे। 3 घंटे लेट हुई है ट्रेन, 9:30 बज रहा है अभी। अरे आया बंदा। बस मजे। स्वागत है आपका और आपकी यूट्यूबर का अमरावती में। चलो अभी इसके कैफे में आए हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। और स्पेशली इसका कैफे देखने के लिए आया मैं। अमरावती अमरावती में तुमको जन्नत दिखा रहा था। ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करता हूँ। और कल का जो हमारा प्लान बन रहा है वो अभी तक बन ही रहा है, एक्चुअली हमने डिसाइड नहीं किया है कहाँ पे जाना है। वाला काम है। हाँ, लेकिन अगर कल जाएंगे तो काफी अच्छा मौसम मिलेगा। कल करेंगे या फिर हाँ देखते, अभी डिपेंड करता है। अगर बारिश होगी यहाँ पे तो
एक नंबर मिलेगा मौसम लाइक ऐसा करते हैं अपना कुछ अनसीन लाइक अंडररेटेड जो है जगह लाइक एक वाटरफॉल है अभी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंडिंग चल रहा है कालू वाटरफॉल का तो उसका छोटा भाई हमारे इधर मेलघाट में है तो अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का देखते हैं। चिखलदारा पिछले साल हो गया है बट बारिश में नहीं हुआ था इसके लिए मैं अभी ये साल बारिश में जाने के लिए स्पेशली आया था लेकिन अगर ये दूसरे जगह पे भी लेके जा रहा है किधर सो वो भी चलेगा। और कंटेंट क्रिएशन में इसके स्किल्स बहुत अलग लेवल पे तो इसका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है वो आप चेक कर सकते हो फॉलो करो। एंड सीरियसली इसका जो रूम मैंने देखा ना आने के बाद ये देखो कितना प्रॉपर वे में इसने रखा है। ये सिर्फ अभी मेरा पसारा है यहाँ पे और वो एडिटिंग का टेबल ये मैप यही एक क्रिएटर का रूम रहता है अभी अपने दिमाग से हर कोई करता है बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। लाइटिंग वगैरह एम्बियंस एक नंबर है। सो लेट्स सी जहाँ पे भी जाएंगे वीडियोस तो ज़रूर बनाऊंगा मैं। एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।